नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शमी होटल IPO का क्या लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और इसका रिव्यू क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक आपका एक मेन बोर्ड IPO रहने वाला है जिसके लिए आपको 15,000 का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो यदि आप इस वीडियो में और इस चैनल पर बने रहें, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें शमी होटल IPO के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जो इसका IPO है मार्केट में 14 सितंबर से आता हुआ दिखेगा जो कि आपको 18 सितंबर तक चलेगा। बात करें इस कंपनी के पूरा डिटेल्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है आपको 2010 में ये आपका कंपनी का जो इनॉग्रेशन हुआ था, आप देख सकते हैं। जैसे कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये आपका एक ब्रांडेड होटल ओनरशिप है और आपका एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। बात करें, जैसा कि उन्होंने अपने साइट पर बता रखा है कि आप देखिए, इनके पास 4801 इनके पास कीज हैं, मतलब इनके पास इतने रूम हैं और ये आपका 31 होटल को ऑपरेट करते हैं। और मेनली जो इनके होटल हैं आपका देख सकते हैं कि आपका बेंगलुरु, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, आपका नेशनल कैपिटल रीजन NCR में देखने को मिल रहा है, फिर पुणे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सारे ही जगहों में इनकी कंपनी फैली हुई है जो आपका देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि उनका ऑलरेडी आपका 2 होटल है जो आपका अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें उन्होंने 461 कमरे हैं जो कि आपका कोलकाता और नाभी मुंबई में देखने को मिल रहा है। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि अभी अभी इन्होंने 10 अगस्त के दिन इन्होंने आपका एशियन कैपिटल को एक्वायर किया है। और इस एक्विजिशन के बाद देख सकते हैं कि जो इनका कंपनी का जो होटल है उसमें आपको 962 का जो कमरों का जो इनका होटल्स है उसमें और आपका बढ़ोतरी देखने को मिली है जो कि आपको नाभी महाराष्ट्र और मुंबई में देखने को मिल रहा है, नाभी मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है मेनली आपका होटल बिजनेस में काम करती है और ये आपका होटल को और आपका या तो उसको एक्वाइज कर रही है या एक्विजिशन कर रही है या उसको और आपका एक्सपेंशन करना इनको देखने को आपको मिल रहा है। और इनका और भी आपका 2 प्रोजेक्ट है जो आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में भी देखने को मिल रहा है। तो इसे देख सकते हैं कि अगर इसका टेंटेटिव टाइम टेबल पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जिसका जो IPO है मार्केट में 14 सितंबर से आता हुआ दिखेगा और आपको 18 सितंबर दिन इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है। बात करें इसकी बेसिस के अलॉटमेंट की तो आप देख सकते हैं कि जिसका अलॉटमेंट है आपको 22 सितंबर के दिन आता हुआ दिखेगा और आपको यदि अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपको 25 सितंबर के दिन रिफंड कर दिया जाएगा। और आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको डीमेट अकाउंट में जो शेयर हैं आपको 26 सितंबर के दिन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है आपको 27 सितंबर के दिन रखी गई है। बात करें IPO को डिटेल्स की तो देख सकते हैं जो इसका IPO का जो फेस वैल्यू है आपका 1 रुपये का है और ये जो आपका फ्रेश इशू टोटल आपका 1200 करोड़ का IPO का साइज होने वाला है। और इसकी जो लिस्टिंग है आपको BSE और NSE दोनों पे होती हुई दिखेगी। बात करें रिजर्वेशन कोटा की तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें आपका 75% जो शेयर रिजर्व रखा गया QIB के लिए, 15% रखा गया HNI के लिए और 10% रखा गया रिटेल के लिए। दोस्तों, अगर बात करें इसके IPO के आपका फाइनेंशियल पैरामीटर को तो आप देख सकते हैं कि जिनका जो IPO का फाइनेंशियल पैरामीटर है काफ़ी अच्छा और आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है जो कि आपका ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं कि इनका जो आपका इस ईयर में इनको माइनस में जो आपका प्रॉफिट शो कर रहा है तो देख सकते हैं कि -338 करोड़ का मतलब इनको लॉसेस हुआ है और इनके हाथों में रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। और देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग है आपको अच्छी खासी बोरिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कंपनी का सब पूरा डाटा हो गया और कंपनी करती क्या ये आपको मैंने बता ही दिया। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो अभी कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी एक्चुअली लॉसेस में चल रही है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस IPO को मार्केट में लेके आना क्यों चाहती है तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में आपका IPO को लेके आकर जिनका हाथ में जो बोरिंग है उसको फुली और पार्शली उसको पे करना चाहती है और इसी पर्पज़ से आपको मार्केट में अपना IPO को लेके आ रही है। तो इस तरह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आपका कंपनी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर है वो उतना और खास और आपका एट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप कोई भी आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप इसने मतलब कोई भी IPO उसमें पैसे को आपको लगाना ही लगाना है। आपको कोई फाइनेंशियल एक्टिव करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लिया करें कि आपको उसमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाना है। यदि आप उसमें लगाना ही चाहती हैं तो आप आखिरी दिन का वेट करें और अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल का पैरामीटर आपने देख लिया तो आप इसमें अपना लिस्टिंग गेन देके चाहे तो निकल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, आपको मैंने इसका पूरा डिटेल बहुत अच्छे से बता दिया है। चलिए दोस्तों, इसका GMP पर नज़र डालते हैं कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी के अनुसार इसमें क्या GMP शो कर रहा है और आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात की जाए शमी होटल IPO की GMP की तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट में IPO है आपको 14 सितंबर से आता हुआ दिखेगा जो कि आपको 18 सितंबर तक चलेगा। बात करें इसके GMP तो आप देख सकते हैं कि उसका GMP अभी मार्केट में हाल ही फिलहाल आया है जो आपको अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपको इसमें अपडेट देखने को मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। ऐसे जो आपका IPO है ये आपको काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो में और चैनल पे बने रहें। यदि इसका कोई जीपी में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहें, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।